राज्य उत्पादन शुल्क की ओर से कांदरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की गई। कांदरी खदान के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से आने जाने वाले चार पहिया और आठ पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक के कई राज्यों की बॉर्डर सील कर दी गई है, जिसके चलते इधर का उधर या उधर से इधर कोई आ जा नहीं सकता। ऐसे में ये जब ट्रक आ रहे तो इसकी जांच भी राज्य उत्पादन शुल्क के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में जब हमने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने बताया, राज्य उत्पादन शुल्क इसलिए जांच कर रही है कि कहीं शराब का जखीरा तो इस वाहन के माध्यम से बाहर नहीं जा रहा है, इसकी जांच और पड़ताल भी की जा रही है। ऐसी जानकारी राज्य उत्पादन शुल्क के निरीक्षक रामचंद्र चौरे इन्होंने दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम आई है ऐसे टोल नाके पे जो कांदरी का टोल नाका है, जहां पर ये जो आप देख रहे हो राज्य उत्पादन शुल्क की ये वही बिल्डिंग है जहां पे ये सीमा तपासनी नाका के नाम से जाना जाता है। और आप ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऐसी गाड़ियाँ जब आती है तो यहाँ पे उन गाड़ियों के बारे में पूछताछ की जाती है। ये तमाम आप देख रहे हो कि राज्य उत्पादन शुल्क की पूरी टीम है, ताकि कोई भी वाहन तो जरूर जाए लेकिन वाहनों में कोई शराब बंद दारू है कि शराब है क्या नहीं, इसकी पूरी जांच यहाँ पे की जा रही है। इतने नहीं तो मेडिकल के कुछ टीम भी है जो कोरोना वायरस का यदि कोई मिलता है तो उसकी भी जाँच करते हुए नजर आ रही है। हम सीधा इनसे बात करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में राज्य उत्पादन शुल्क के इंस्पेक्टर रामचंद्र चौरे जी, उनसे जानना चाहेंगे। चौरे साहब, ये बताइए कि अब तक के कितने गाड़ियों की जांच की गई और क्या जांच के इसमें क्या मिला? अभी तक ऐसा है कि जो लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ी की जो खाली अत्यावश्यक जो सेवा है वही गाड़ियाँ जा रही है और उनकी वजह से गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। लगभग दिन में 50 से 100 तकरीबन गाड़ियाँ जाती है। तो और अब तक की गाड़ी में क्या दिखा है? अभी तो खाली ही धरा शराब वाले वैसे कोई चीज़ नहीं मिली है। खाली जो फल सब्जी दूध गैस ऐसी चीज़ें जा रही है और कुछ एम्बुलेंस वगैरह है वो जा रही है। आपके साथ में ऐसा स्वास्थ्य विभाग की कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है, वो किस प्रकार की जांच पड़ताल करती है? वो लोग पेशेंट को प्रिकॉशन क्या क्या लेना है वो बताते हैं, उनका पूरा नाम लेते हैं, नंबर उनके पूछते हैं, पता पूछते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं। और उनको सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं हाथ में, वो हाथ में मलने के लिए बोलते हैं और स्कार्फ बांधने के लिए बोलते हैं और दूरी बनाए रखने के लिए बोल देते हैं। चौरे साहब, अब तक के आप जब से ये जांच करवा रहे हो आपको क्या लग रहा है कि कोई कोरोना वायरस का कोई ऐसा पॉजिटिव कुछ मिला है? नहीं, अब फिलहाल तो यहाँ तक नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। और यदि आपके नज़रों में जांच के दौरान यदि कोई ऐसा व्हीकल मिलता है या वाहन मिलता है जो अवैध तरीके से शराब हो या अन्य कुछ ऐसी जो चीज़ें हो, अमली पदार्थ हो, अगर आपको मिलता तो फिर आप क्या कार्रवाई करोगे? तो हम लोग उसको पहले गाड़ी की पूरी तलाश लेते हैं। अगर उसमें कुछ शराब जैसी कुछ चीज़ें मिल जाती है तो पहले हम उसके गाड़ी के उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या माल है, वो सब पंचनामा करते हैं उसका। उसके बाद उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर कर देते हैं और फिर आगे का तपास उसका चालू रहता है। इस तरह के पुख्ता इंतजाम राज्य उत्पादन शुल्क की ओर से की गई है। अब तक के इन्होंने कई वाहनों की जांच की लेकिन जांच पड़ताल में कोई भी ऐसा अवैध शराब को लेकर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक बात है, जहाँ सब्जी है दूध है इनके जो बड़े जो वाहनों में इसका जो आना जाना था वो लगातार इन्हें दिखाई दिया और ये लोग जांच कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पैन करके बताएं कि यहाँ ट्रकों की लाइन लग चुकी है, ये तमाम ट्रकों को इनके ऊपर में पैन ही नज़र रखे हुए राज्य उत्पादन शुल्क, और काफ़ी अच्छा काम राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा किया जा रहा है। और जब भी ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या इसमें उसमें जो भी कोई मुसाफिर बैठा हो उनकी भी जाँच की जाती है। यदि कोई वो कोरोना वायरस उनकी जांच की जाती है कि कहीं उन्हें कोरोना वायरस तो नहीं है, अगर है तो उनके ऊपर उनको स्वास्थ्य विभाग में लेके जाए बड़ी डॉक्टर की टीम की ओर ले लिया जाता है और उनके ऊपर में इलाज भी किया जाता है। मगर अब तक के कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके चलते मैं दावे के साथ इन लोगों का कहना है कि कोई भी कोरोना वायरस का आदमी नहीं मिला। लेकिन वाहनों की जाँच हम लगातार करते रहेंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई मिल जाए और इसके लिए ये राज्य उत्पादन शुल्क की पूरी टीम काफ़ी अच्छा काम करते हुए नज़र आ रही है। इथून ज्या गाड्या येतात त्यांना आम्ही आधी थांबवतो, त्याच्या ड्रायव्हरला कंडक्टर त्यांचे नावं घेतो, त्यांचे मोबाईल नंबर घेतो, त्यांना काही त्रास वगैरे आहे, सर्दी खोकला ताप असे काही सिम्पटम जर त्यांनी सांगितले किंवा मग त्यांची फॉरेनहून यायची काही हिस्ट्री असली किंवा ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्रीमध्ये काही असलं त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आसपास कोरोनाच्या पेशंटच्या रिलेशनमध्ये काही त्यांचा कॉन्टॅक्ट वगैरे आला असेल अशा पेशंटना आम्ही हिस्ट्री घेतो। त्यांना जर सिम्पटम्स असेल तर त्यांना आम्ही मेयो रुग्णालय इथे
रेफर करतो आणि पण हिस्ट्री असेल पण सिम्पटम्स नसेल तर त्यांना आम्ही MLA हॉस्टेलला क्वारंटाईन सेंटरला पाठवले देतो. हमारे जो महाराष्ट्र राज्य के कमिश्नर साहब है कांतिलाल उमाप साहब और हमारे संचालक मैडम जो है उषा वर्मा मैडम, इनके हमारे बार बार लेटर आ रहे हैं कि अपनी नज़र रखो, जो कुछ हो रहा है उसका डेली रिपोर्टिंग करो. उसके साथ में ही हमारे नागपुर विभाग के श्री मोहन वर्दे साहब, विभागीय उपायुक्त साहब और हमारे नागपुर जिले के अधीक्षक प्रमोद सोनोने साहब, इनका भी हमको मार्गदर्शन मिल रहा है क्या करना है कैसे करना है. ये वो बार बार फ़ोन करके पता कर रहे हैं, दूसरे स्क्वाड भेज के कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये उनका बार बार फ़ोन पर भी बात हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कुछ मिला क्या, वो रोज़ के रोज़ बात हो रही है. बिल्कुल, बन का जब से पूरा शहर ने भारत वर्ष पूरा लॉकडाउन हो चुका है, ऐसे में जो पीने वाले जो नशेड़ी लोग रहते हैं जिन्हें दारू की जो आदतें रहती है वे उससे बाज नहीं आते, ऐसे में लोग ब्लैक में भी दारू लेना चाहते हैं मगर पुलिस का कड़ा पुख्ता इंतजाम होने की वजह से कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता. इस तरीके की काफ़ी अच्छी जाँच यहाँ राज्य उत्पादन शुल्क की ओर से कांद्री की शाखा की ओर से किया जा रहा है. नागपुर के इस ऐतिहासिक टोल नाके से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, इन BCN न्यूज़ नागपुर.